अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी है मेरी YouTube फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबका। मैं हूँ सदा, वेलकम है आपको मेरे चैनल पे। होप सो जी आप ठीक ठाक होंगे, हरिये से होंगे। वैसे तो हम सब ने करी पकौड़ा बहुत ज़्यादा खाई हुई है और बहुत मज़े की बनती है, लेकिन मैं आपके साथ फर्स्ट टाइम अपनी रेसिपी शेयर कर रही हूँ इंडियन पंजाबी करी पकौड़े की। और ये बनाने में जितनी आसान है ना, खाने में बड़ी मज़े की है। तो आए चलते हैं हम किचन में और बनाना शुरू करते हैं इंडियन पंजाबी करी पकौड़ा। यहाँ पर जी मैंने लिया है एक टमाटर और एक छोटा सा प्याज, जिसको मैंने इस तरह से काट लिया है और टमाटर के मैंने यहाँ पे छिलके उतार लिए हैं। वैसे तो हमें सालन में टमाटर के छिलके उतार के ही टमाटर शामिल करने चाहिए, तो यहाँ पर जी मैंने दोनों चीज़ें ले ली हैं। अब हम बनाएंगे इनका मसाला। यहाँ पर जी मैंने प्याज को शामिल कर दिया है घी में और हमने प्याज को सिर्फ हल्का गोल्डन ब्राउन करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। ज़्यादा ब्राउन प्याज करने से टेस्ट में करवाहट आएगी। ये प्याज मेरा गोल्डन पिंक हो चुका है। अब मैं यहाँ पे शामिल कर रही ही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट और हल्का सा हम इसको भून लेंगे। अब जी मैं यहाँ पे शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1/2 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, और मैं आपको बताना भूल गई हूँ यहाँ पर जी मैंने घी लिया है 1/2 कप। अब जी यहाँ पर जाएगा कटा हुआ टमाटर और इसको भी अच्छी तरह से मैं भून लूँगी तकरीबन 2 से 3 मिनट। पर यह है जी यहाँ पर स्पाइस की, और मैंने यहाँ पर ली है 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी। नमक यहाँ पर मैंने लिया है 1 टेबल स्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। और 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर ली है कुटी हुई लाल मिर्च। अब जाएंगे जी स्पाइस मसाले के अंदर। अच्छी तरह से हम सारे मसाले को भून लेंगे और तकरीबन 5 मिनट भूनने के बाद जी मैं इस पर शामिल कर दूंगी पानी, ताकि जो हमारा मसाला है वो अच्छी तरह से गल जाए। और आज जो मेरी वीडियो है वो मुझे मेरा मुर्गा बनाने दे रहा। यहाँ पर जी मैंने पानी को ऐड कर दिया है और मैंने यहाँ पर करी पत्ता ऐड नहीं किया, क्योंकि पंजाब वाले करी पत्ता ऐड नहीं करते, तो मैंने भी नहीं किया। अब हम इसको कवर कर देंगे ताकि हमारा मसाला अच्छी तरह से गल। अब हम इसको कवर कर देंगे ताकि मसाला अच्छी तरह से गल जाए। करी का मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब बारे यहाँ पर मेन चीज़ क्या है, दही और बेसन की, जिससे बननी है हमारी करी। अब जी हम बनाएंगे यहाँ पर इसका बैटर, और इसकी जो क्वांटिटी है दही की वो है जी 1 किलो, और बेसन यहाँ पर लूँगी मैं 4 टेबल स्पून। अब जी मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद जी अब इसमें ऐड करूँगी नमक मिर्च हल्दी 1/2 टेबल स्पून, क्योंकि मैंने मसाले में ऑलरेडी थोड़ा सा स्पाइसी रखा है। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप किस तरह से करी को पसंद करते हैं, ज़्यादा स्पाइसी या नॉर्मल टेस्ट। अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स करा ताकि कोई भी लंप वगैरह ना रहे। आप बार बार चेक कर लें किस तरह से मैं कर रही हूँ, ताकि कोई भी लंब वगैरह ना रह जाए। तो जी मैंने दही ऐड कर दी है मसाले में। अब हम इसको बॉईल आने देंगे, थोड़ी देर के लिए इसको पकने देंगे। मैंने यहाँ पर जी पकौड़ों का बैटर भी तैयार कर लिया है और मैंने बनाए हैं यहाँ पर पालक के पकौड़े। वैसे तो मैंने आपके साथ 3-4 किस्म के रेसिपी शेयर की हुई है पकौड़ों की। और एक बात याद रखिएगा कि जब भी आप करी के लिए पकौड़ा बनाएं, तो पकौड़ों का बैटर थोड़ा सा मोटा रखें, क्योंकि हमें यहाँ पर क्रिस्पी पकौड़ा नहीं चाहिए, यहाँ पर बेसन थोड़ा सा थिक होना चाहिए। करी यहाँ पर जी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। अब बारी है जी तड़के की। करी पकने की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि जी जो घी है ना वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है और खुशबू बेसन की ना पूरे किचन में फैलना शुरू हो जाती है, और इस टाइम मेरा किचन करी की खुशबू से फैला पड़ा है। ये देखिए किस तरह से घी निकला हुआ है। तड़का मैं लगाऊंगी ज़ीरे का और साबुत लाल गोल मिर्च का। पहले हल्का सा मैं ज़ीरे को सौटे कर लूँ, उसके बाद यहाँ पर शामिल करूँगी लाल गोल मिर्च। इसका अपना ही फ्लेवर है।
मसाला मैंने डाल दिया है। अब हम इसको मज़ीद थोड़ी देर के लिए पकाएंगे क्योंकि अभी इसको मैं थोड़ा सा और गाढ़ा करना है। तो अब जी मैं बना लेती हूँ यहाँ पर पकौड़े, और पकौड़ों के लिए मैंने आपको दिखाया हुआ है कि मेरा बैटर बिल्कुल रेडी है, करी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब जी इसमें जाएंगे पकौड़े। तो करी यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो चुकी है और मेरी अम्मा को बहुत पसंद आई है, इंशाल्लाह आपको भी आएगी। तो आपने इस तरह से मेरी वीडियो को लाइक करना है, अपना बहुत ख्याल रखना है। मैं आपसे दोबारा मिलूँ एक नई वीडियो के साथ, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। करिए करिए पीछे करी और साथ पकौड़े बन रहे हैं। बाय बाय।